के साइंस जिसमें टेंथ चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है जिसमें फर्स्ट टू पार्ट्स में हम कर चुके हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और किस तरह से डेविएशन किस तरह से उसके फॉर्मूलाज हैं वो कर सक कर चुके हैं उसके बाद हम करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे बहुत सारे नोमेकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इसे आप ध्यान से पढ़ना चलिए शुरू करते हैं लेटस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट्स होलो और सॉलिड बिग और स्मॉल विल फॉल फ्रॉम height एट द सेम रेट हम ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं स्मॉल हैं होलो हैं या फिर सॉलिड हैं अगर हम एक हाइट से उनको फेंकते हैं तो उन वो सेम स्पीड से ही आते हैं क्या ठीक है उससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं टेन पॉइंट थ्री टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड ए स्टोन ड्रॉप floor of द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग ऑब्जर्व वेदर रीच द simultaneously. आपने एक पेपर लेना है और एक पत्थर लेना है दोनों को फर्स्ट फ्लोर से फेंकना है देखना है कि क्या वो एक ही टाइम पे मतलब आके गिरे हैं वी सी देपर रीच इज द ग्राउंड लेटर देन द स्टोन दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एयर ने कुछ रेजिस्टेंस शो किया इसलिए वो जो पेपर है थोड़ा सा लेट पहुंचा। द फोर्स द एयर ऑफर रजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो एयर है वो रजिस्टेंस शो करती है फ्रिक्शन होता है वहाँ पर जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके मोशन में रुकावट पैदा करता है वो घर्षण पैदा करते हैं द रजिस्टेंस ऑफर बाय द एयर टू द पेपर यूज मोर देन द रजिस्टेंस ऑफर टू दिना वो रजिस्टेंस स्टोन को देती है उसे ज्यादा रजिस्टेंस पेपर को मिलता है इफ़ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन द ग्लास जार फ्रॉम विच द एयर हैज़ बीन सख्ड आउट द पेपर एंड द स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट अगर हम ग्लास जार में हम कह सकते हैं अगर वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट करें तो वो दोनों ही क्या होगा सेम रेट से गिरेंगे ठीक है वी नो दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इज एक्सलेशन ड्यू टू फ्री फॉल ऑब्जेक्ट्स क्या है एक्सेलेशन uh, महसूस करता है फ्री फॉल की वजह से दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसड बाय ऑब्जेक्ट इज इन्डिपेंडेंट ऑफ इट्स मॉस जो एक्सपीरियंस uh, होता है एक्सेलरेशन का वो इंडिपेंडेंट होता है इसके मास से इसका मतलब है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होल हो या सॉलिड बिग या स्मॉल जो भी होते हैं सेम रेट से गिरते हैं ठीक है ये आपने याद रखना है सेम रेट से गिरते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिनिंग टावर ऑफ पिस्ा इटली टू प्रूव द सेम जो गलीलियो थे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारी चीज़ों को पिस्ा से गिराया इटली में इसको प्रूव करने के लिए एच जी इज कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ ऑल द इक्वेसन ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम वेलिड विद एक्सलेन ए रिप्लेसड बाई जी ठीक है हमने क्या किया था जो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ के पास थे उसके पास हमने जो डी है डिस्टेंस है उसको हटा दिया था और वहाँ पे जी को रख लिया था ठीक है ये तीन इक्वेशंस हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस आप इन्हें कह सकते हैं ठीक है इक्वेशन ऑफ मोशन है इनका रिलेशन है टाइम से किस इक्वेशन में इनका रिलेशन है पोजिशन से कि, कि, किस इक्वेशन में इनका पोजिशन वेलोसिटी से वेलोसिटी टाइम से पोजिशन टाइम से, से इस तरह से ये इक्वेशंस हैं तो न्यूमेरिकल जब भी आपके पास होगा तब आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ दी हुई है और कौन सा फॉर्मूला हमें पुट करना है सपोज ये वाली इक्वेशन है ठीक है इसमें वी क्या है वी है हमारी फाइनल वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोस्टी दी हुई है इनिशियल वेलोस्टी दी हुई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो ये क्या है ये वेलोसिटी टाइम और टाइम इक्वेशन है ठीक है वेलोसिटी का और टाइम का रिलेशन इसमें हमने निकालना है अगर हमें ये वाली इक्वेशन अगर पुट करनी है तो कब करनी है जब हमें एस क्या है डिस्टेंस है जितनी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल की है यू क्या है फाइनल यू uh, है इनिशियल वेलोसिटी ए जो एक्सेलरेशन है हमारे यूनिफॉर्म है वो जब हमारे पास पोजीशन टाइम पोजीशन टाइम की बात आएगी तब हम ये वाली इक्वेशन रखेंगे ये तीनों इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशंस कहलाती हैं अब जो वी स्क्वायर है हमारा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन है समझ गए आप ये पोजीशन वेलोस्टी है और जब हम पोजीशन वेलोस्टी निकालेंगे तो इसमें हमारे पास दिया होगा बी क्या है फाइनल वेलोसिटी यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी ए क्या है यूनिफॉर्म एक्सलेशन एस क्या है डिस्टेंस अगर हमें इनमें से कुछ भी निकालना है तो ये दोनों भी आ, मतलब चेंज हो सकती हैं जैसे इससे भी एस निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत जरूरी हैं। ये आपको दिया हुआ है कि मैंने बताया था डिस्टेंस है ये आ, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ये ये इक्वेशंस को रखने के बाद वी विल टेक एक्सेरेशन ए टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सलेशन पॉजिटिव होगा जब ये डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी की देन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस तरफ मोशन हो रहा है उसी तरफ वेलोसिटी है हमारी उसी तरफ एक्सलरेशन है और वो होगा पॉजिटिव द ए विल बी टेकन एज नेगेटिव एन ड्रॉप्ड अपोज इज वैन द वेन इट अपोज इज़ द मोशन जब यह मोशन को रोकता है इसको किस तरह से समझेंगे जब एक गाड़ी मूव कर रही है बहुत तेज और हमने उसमें ब्रेक लगा दिया तो वहाँ पर एक्सलेशन क्या होगा नेगेटिव एक आर फॉल ऑफ ए लैच एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड जीरो पॉइंट मतलब पॉइंट फाइव सेकेंड लेट जी इज दिस तो हमें कैलकुलेट क्या करना है वॉट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द्राउंड स्पीड क्या है ठीक है हमें स्पीड निकालनी है तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रखना और अगर नहीं समझ में आता है तो जो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें ये सारे नूमेरिकल्स मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से करने हैं ठीक है लेकिन आप अगर एक बार खुद से कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग के जो पोर्स हैं वो खुल जाएंगे और आप आसानी से फिर एग्ज़ाम में नर्वस नहीं होंगे कर सकते हैं उस टाइम पर आसान हो जाएगा आपके लिए ठीक है ये सारे नुमेरिकल्स हैं क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल फ्री फॉल क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने हाइट पे ले जाके छोड़ दिया वो आसानी से नीचे गिर जाता है ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिर जाता है वो फ्री फॉल है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है ये बताना है आपने यहाँ पे क्वेश्चन है के एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है देखिए जब भी कोई चीज़ फ्रीली फॉल करती है अर्थ की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी के साथ उसका का एक्सेलेशन जो है वो चेंज हो जाता है ठीक है तवरण जो है वो चेंज हो जाता है तो जो चेंज हो जाता है एक्सेलेशन में उसको कहते हैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको स्मॉल uh, जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी है? हमने नाइन मीटर पर सेकेंड ठीक है ये हमने पर सेकेंड स्क्वायर निकाली थी ये इसकी वैल्यू होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी समझ आ गया आपका आपको और फ्री फॉल समझ में आ गया होगा ठीक है उसके बाद क्या आता है मास आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टिल देन अ हैप्पी डे स्टडी हार्ड स्टे एट होम स्टे सेफ